मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एनसीपी पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार को लेकर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने वाली केतकी चितले को कल नवी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था और आज उन्हें ठाणे सत्र न्यायालय में पेश किया गया। ठाणे हॉलीडे कोर्ट ने केतकी को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। आपको बता दें कि 18 मई तक पुलिस कस्टडी दी गई है। एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केतकी पर अंडे फेंकने की कोशिश की। महिलाओं ने कोर्ट और नगर पुलिस स्टेशन के बाहर केतकी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती हुई भी नजर आई है और कुछ कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से पुलिस वाहन का पीछा भी करते हुए केतकी पर स्याही और अंडे फेंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। आज हमने कोर्ट में केतकी मिलिंद चितड़े को हाजिर किया था। माननीय कोर्ट ने उसको 18 तारीख तक PCR दिया है और इस PCR के दौरान हमको उन्होंने जो पोस्ट किया था वो पोस्ट कौन से डिवाइस से किया था उसका इंक्वायरी करना है और वो जो भी डिवाइस है वो सीज करना है। ये हमारा आगे का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। हाँ, उन्होंने कोर्ट में ये एक्सेप्ट किया कि जो पोस्ट है उन्होंने ही किया है, ऐसा उन्होंने कोर्ट के सामने एक्सेप्ट किया था। अभी क्या सीज किया और क्या सीज करना बाकी है? अभी हमने उसके पास से एक जो मोबाइल है वो मिला है वो सीज किया है और उसका लैपटॉप और दूसरे और कोई चीज़ें जो है मोबाइल और दूसरा कोई है क्या वो भी देखना है और वो सीज करना है। नहीं, नितिन भावे जो है एडवोकेट नितिन भावे वो जो है वो कौन है इसके बारे में उन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं, उसी के लिए तो हमें इन्वेस्टिगेशन